नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र यादव है। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया और जिनको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था नेक मसल्स, बैक मसल्स के लिए एक्सरसाइजेस, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनको घुटनों के दर्द के लिए यानी नी पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताऊं। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को नी पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताऊं। जिनको भी एक्यूट नी पेन है वो सभी लोग अगर ये एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के नी ज्वाइंट पेन के लिए एक्सरसाइजेस। ये पोजीशन में सीधा सोना है और सोने के बाद नी ज्वाइंट के लिए पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पंजा पूरा खींचो, नीचे लाओ, वन, फिर से नीचे, टू, ऐसे 10 बार। ओके, दूसरा ये ऐसे अंदर करना है और ऐसे बाहर, इन्वर्जन एवर्जन, वन, फिर से टू, ये भी 10 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, वन टू थ्री, ऐसे 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री, ये भी 10 टाइम्स। ओके, के नीचे पिलो रखना है, पिलो को प्रेस करो, प्रेस, वन टू थ्री फोर फाइव, छोड़ दो, वन, ऐसे प्रेस करके 5 गिनना, 1 2 3 4 5, ये भी 10 बार। ओके, अभी हटा दो। इसके बाद एक एक पैर सीधा सीधा उठाओ, होल्ड इट, रुकाओ, 1 2 3 4 5, छोड़ो धीरे से, अभी ये उठाओ, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 बार हो, फिर से उठाओ, 10 बार 10 बार। अगर किसी एक्सरसाइज में पेन बढ़ता है तो नहीं करना है। ओके, ये उठाओ, हाँ, ये सीधा सोके। ओके, अभी एक साइड लाइन पोजिशन ले, हाँ, ओके, नीचे वाला पैर बेंड करो, यस, अभी ये पैर सीधा उठाओ, 1 2 3 4 5, छोड़ो, 1, फिर से धीरे धीरे नीचे लाना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 टाइम्स। ये एब्डक्टर मसल्स के लिए है। अभी लेफ्ट साइड हो जाओ, उस साइड घूम जाओ, हाँ, ओके, नीचे वाला पैर बेंड करो, यस, स्ट्रेट सोना है, ये 90 डिग्री पे बेंड करना है। अभी ये पैर स्ट्रेट उठाओ, 1 2 3 4 5, होल्ड क्यों करना है, क्योंकि इससे नी मसल स्ट्रेंथन हो जाएगी। उठाओ उठाओ, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 बार। पेट पे सोना है इस तरह से, और पेट पे सो के एक एक पैर सीधा उठाना है, उठाओ, 1 2 3 4 5, एक बार हो, अब एक बार है, तो ऐसे दोनों सेट मिला के 1, और ये हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है इससे। ठीक है, करो, नी रिलेटेड सारी मसल्स की एक्सरसाइज करो, 1 2 3 4 5, छोड़ो, ये उठाओ, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 10 बार करना है। अभी पैर, एक पैर बेंड करो स्लोली, जहां तक जाता है वहां तक, नीचे लाओ, 1, अब वो वाला पैर उठाओ, हाँ, नीचे करो, हाँ, 1, फिर से करो, हाँ, ये धीरे धीरे करना है, किसी का नी में रेंज जहां तक अगर हाँ करो, ओके, ठीक है, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। ठीक है, पेन जहां तक नहीं होता है वहां तक ही सारी एक्सरसाइजेस करनी है। सिटिंग पोजीशन में ऐसे स्ट्रेट बैठना है, और ऐसे बैठ के पैर देखो, उठाओ, इसको डायनामिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं, 1 2 3 4 5, फिर वो उठाओ, 1 2 3 4 5, अभी एक हुआ, उठाओ, ये 1 2 3 4 5, फिर से उठाओ, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 बार ही 10 बार ही करना है। ओके, अभी एक हाथ बांधो, टाइट हो जाओ, अभी ये पैर उठाओ सीधा, 1 2 3 4 5, हिप फ्लेक्सर एक्सरसाइज है, हाँ, 1 2 3 4 5, अभी एक सेट हुआ, फिर से करो, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी ये भी 10 10 बार करनी है। अच्छा, इसके बीच में मुट्ठी रखो, हाँ, प्रेस करो, यहाँ पे रखो ऊपर नी के बीच में, हाँ, दबाओ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, एक, फिर से 1 2 3 4 5, फिर से, यस, ये भी 10 टाइम्स। लास्ट एक्सरसाइज आपको रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज करनी है, पैर लाओ, पैर, हाँ, वन, हाँ, ऐसे, तो लास्ट में ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, वेरी गुड, बस इतनी एक्सरसाइजेस एक्यूट नी पेन में बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बहुत फायदा होगा, और प्रिकॉशन जो बताया वो लेना है। ओके दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा ये ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए नी पेन में। तो मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले क्या करना चाहिए।
अगर लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है तो आपको चेयर रखना है, चेयर यूज करना है। लेडीज किचन में भी चेयर रख सकती हैं, और जब जरूरत ना पड़े तो आप चेयर यूज करिए, बैठ जाइए। दूसरा, आपको आपके बैठने की पोजीशन पे ध्यान देना है कि आपका बैठने का पोजीशन जो नी का है वो बढ़िया रहे, ठीक है। और लंच डिनर टाइम पे आपको हमेशा डाइनिंग टेबल यूज करना है, और आपको वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना चाहिए। अभी क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है तो आपको ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए, स्पेशली उस नी पे जो पेनफुल है। क्रॉस लेग सिटिंग अवॉइड करना चाहिए, लेडी सिटिंग पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। नीचे ना तो बैठना है, ना सोना है, ना खाना खाना है, और इंडियन टॉयलेट को भी अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की थी ये कुछ एक्सरसाइजेस जो नी ज्वाइंट पेन में बहुत ही फायदेमंद होंगी। जिन लोगों को एक्यूट नी पेन है उन्हें क्या करना चाहिए, दिन में कम से कम 3 बार करनी है, और जो हमने डूज एंड डोंट्स बताए हैं उसको फॉलो करना है। अगर किसी कारण से आपका 1 वीक 2 वीक में नहीं फर्क पड़ा तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, और वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ मोडालिटीज दे करके, कुछ एक्सरसाइजेस चेंज करके आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।